हे एवरीवन, आज हम आपको सुपरस्टार सलमान खान की 5 आने वाली बड़ी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जो कि 2023 और 2024 में आने वाली हैं। जैसे कि हाल ही में सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई है जिसने अपने बजट से ज्यादा की कमाई की और हिट मूवी साबित हुई है। अब देखते हैं इसके बाद सलमान खान की कौन सी फिल्में आने वाली हैं। आपको बता दें कि सलमान खान की बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करने वाली हैं। अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1 पे आती है टाइगर 3। टाइगर 3 सलमान खान की सबसे बड़ी मच अवेटेड फिल्म होने वाली है जिसका फैंस बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म होने वाली है और सबसे अहम बात यह है कि ये स्पाई यूनिवर्स मूवी होने वाली है। इसकी पिछली 2 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। एक था टाइगर मूवी ने 335 करोड़ और टाइगर जिंदा है मूवी ने 565 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी और अब टाइगर 3 जिसमें हमें सलमान खान के अपोजिट इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इस मूवी में हमें शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिलेगा और टाइगर 3 मूवी को 300 से 350 के बड़े बजट में बनाया जा रहा है और इस फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। टाइगर 3 मूवी को हिंदी तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। नंबर 2 पे सलमान खान की एक अनटाइटल्ड फिल्म होने वाली है जो कि प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ होने वाली है जो कि 2024 में ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है। ये फिल्म एक बिग बजट फिल्म होगी जिसको करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाने वाले हैं। इस मूवी को विष्णु वर्धन डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले शेरशाह जैसी बड़ी मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके अलावा साउथ मूवीज को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान की ये मूवी एक्शन से भरपूर होने वाली है। ये फिल्म ईद 2024 को आने वाली है। नंबर 3 पे आती है प्रेम की शादी जो कि प्रेम रतन धन पायो का नेक्स्ट पार्ट होने वाली है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें सलमान खान लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में प्रेम की शादी होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म की अनाउंसमेंट खुद सलमान खान और डायरेक्टर कर चुके हैं जिसमें सलमान खान का कहना था कि प्रेम लौटेंगे और डायरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये प्रेम की शादी कराएंगे। ये एक मेगा बजट फिल्म होगी जिसको सूरज भरजातिया डायरेक्शन देंगे। ये सलमान खान और सूरज भरजातिया का 5वां कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले ये दोनों मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी सुपरहिट मूवीज कर चुके हैं। प्रेम की शादी भी एक सुपरहिट मूवी होने वाली है। सलमान खान एक बार फिर दिवाली 2024 के मौके पर प्रेम बनकर आने वाले हैं। नंबर 4 पे आती है पवन पुत्रा भाईजान। ये फिल्म सलमान खान की ब्लॉकबस्टर और वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बजरंगी भाईजान का सीक्वल होने वाली है। बजरंगी भाईजान जो कि 2015 ईद के मौके पर आई थी जो कि 90 करोड़ के बजट में बनी थी और इस मूवी ने 969 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। बजरंगी भाईजान के नेक्स्ट पार्ट का टाइटल पवन पुत्रा भाईजान रखा गया है। इस फिल्म के सीक्वल के अनाउंसमेंट सलमान खान काफी पहले कर चुके हैं। इस फिल्म की स्टोरी को एसएस राजामौली के वालिद वजेंद्र प्रसाद ने लिखा है जिन्होंने इससे पहले पार्ट 1 की स्टोरी लिखी थी और बजरंगी भाईजान 2 मूवी में 8 से 10 साल का लीप आएगा यानी कि हम सभी को 8-10 साल आगे की कहानी देखने को मिलेगी और इस फिल्म की रिलीज डेट 2025 बताई जा रही है। नंबर 5 पे आती है टाइगर वर्सेस पठान। सलमान खान की आने वाली ये फिल्म सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसके लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान दिखाई देने वाले हैं जिसमें शाहरुख खान एस पठान और सलमान खान एस टाइगर के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमें टाइगर और पठान एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में दोनों का तगड़ा वाला फेस ऑफ देखने को मिलेगा। ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म होने वाली है। टाइगर 3 और वार 2 के बाद YRF इस मूवी पे काम शुरू कर सकते हैं। टाइगर वर्सेस पठान फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे जो की पठान और वार जैसी बड़ी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। ये एक बिग बजट एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी शूटिंग 2024 के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिल सकती है। बाकी आप सलमान खान की इन फिल्मों में से किस मूवी का वेट कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।